अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू ASMR चैनल। सो जनाब, आज का जो व्लॉग है ना, मैं स्पेशली एक रिक्वेस्ट आई थी, आई डोंट नो नाम क्या था, राबिया मायरा शबीर। सो थैंक यू, आप मेरे व्लॉग देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं जी। मैं आपके लिए आज क्रमनिंग करूँगी, और सबसे पहले मुझे मर्डी नज़र आ रही है क्योंकि सारी इसने ना कुछ शीट्स कवर की हुई हैं। हाँ अच्छा, नीचे शीट बिछा, वो जो ये वाली शीट बिछा के ना मैं इधर क्रम्बलिंग कर लूँगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं प्योर मट की क्रम्बलिंग करती हूँ आपके लिए, मायरा शबीर। एक मिनट, मैं ना पहले शीट बिछा लूँ। तो जनाब, कल रात को लेंटर डला है इनका, ये वाला दूसरा लेंटर भी डल गया, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैस क्रिएट हो चुका है। नीचे गिड़ 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 गिड़, ये देखें इनके ऊपर भी गंद मच गया। खैर, हम कर भी क्या सकते थे, चले हम आप क्रम्पिंग करते हैं, क्रम्पिंग करते हैं। नीचे नजर नहीं आ रहा, पिता होगा इसको, मैं पीछे करती हूँ। अच्छा, जब मैं क्रम्बलिंग कर रही होती हूँ ना, तो मुझसे बात ही नहीं होती, मेरा सारा फोकस ना कैमरे में होता है, और मैं देख रही होती कि मैं कैसे कर रही। ये न्यू तो नहीं, ये वाली। जनाब, आज राबिया आपी की तबीयत ना कुछ ख़राब हो गई थी, तो जिसकी वजह से वो, उसको मैंने बोला हुआ है कि तुम सुबह स्टेयर पे बैठ जाओ, तो मैं व्लॉग बना देती हूँ। थैंक यू हमारे जो दूसरा चैनल जो हमने व्लॉगिंग के लिए स्टार्ट किया है, जिस पे हम चैनल वो चैलेंज कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, उसको आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जो मुझे पसंद करते हैं, वारिस को पसंद करते हैं, उन सबको थैंक्स। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, ऐसा अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए जनाब, हम ना हम इसकी करते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है, इसकी करते हैं। ये गोल्डन सैंड वाले टेक्सचर है, खैर इसको जब धोया था इतना प्यारा लगता था, ये फिर गंदा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये वाला करते हैं। बहुत ही बाड़ी इतना ख्याल करना, तो मैं दो टोटे कर दी, हो गया। धूप की वजह से अंदर से इतना गर्म है ये, तो कल जनाब ईद है और आज चांद रात है, तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, ठीक है? और अल्लाह पाक जिस जिसने कुर्बानी दी हुई है, देनी है, उन सबकी कबूल करे।
पहाड़ी में होता है ये। राबिया मम्मा की हिम्मत है, इतनी बड़े बड़े टैक्सी उठा लेती हैं। क्रम्बिंग करना आ ही गई है मुझे, वरना मुझे शुरू में नहीं आती होती थी, मैं ऐसे 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 करती थी। देखते के अब राबे आपकी वो मम्मा को देखते के थोड़ी बहुत आ ही गई है। सो जनाब आप नए टेक्सचर की तरफ चलते हैं। ये एक टेक्सचर नज़र आ रहा है, ये आई डोंट नो कौन सा टेक्सचर है, उन दोनों का तो पता था मुझे। ये छत वाला टेक्सचर, छत वाला टेक्सचर। ओके अलमास साहब कह रहे थे कि मैंने आपको इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी लेकिन आपने जो है ना मुझे नहीं की, तो अब तो मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उनको कह रहे कि हमने जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड की थी और वो हमने आपको डेडिकेट भी कर दी। अलमास, अलमास से है नीलम बाजवा और उसके बाद एक और। अच्छा जी, अलमास है नीलम बाजवा और नीलम बाजवा अलमास सर और एक और कौन सा कह रही हूँ, उस तीसरे वाले का नेम नहीं याद आ रहा। तो आप ही कह रही, मैंने उनके लिए वीडियो शूट की थी और अपलोड भी की थी, हाँ डेडिकेट कर दी है, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं। तो हम अब अपने क्रम में करते हैं। सारे टेक्चर गर्म गर्म हैं, शेप ही पकड़ते हैं हम अच्छी सी। सो जी जनाब इसको करते, इसको उठा देती हूँ मैं, बल्कि इसके अंदर जो है ना इसको ऐसे डाल देती हूँ, इसका भी बड़ा मज़ा आता है ऐसे करने का। मज़ेदार, लेकिन ये नीचे से ना गिला गिला लग रहा है। तो जनाब जो भी बंदा रिक्वेस्ट करता है ना, तो देखें इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट होती हैं, समझ नहीं आ रही होती कि किसको करें किसको ना करें। खैर अगर आप ही के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं हम लोग, आपको ही खुश करते हैं बना के वीडियोस, ठीक है। तो डेली का व्लॉग, डेली की वीडियो अपलोड करनी, और अगर किसी का नाम रह भी जाता है तो काइंडली गुस्सा ना किया करें, आगे से बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें। इंशाल्लाह जब आपका टाइम भी आएगा, जब आपका नाम भी ले लिया जाएगा, तो फिर आप भी खुश हो जाएंगे। खैर लेकिन आप ही का जो YouTube फैमिली है बहुत अच्छी है, मैं कहती हूँ ज़्यादातर अच्छे लोग हैं, बीच में कोई हेट नहीं है। कम से कम कभी कभी मैंने देखा हुआ है कोई हेट कमेंट कर जाता है, मोस्टली नहीं। ये बहुत मजे का टेक्सचर है यार, छत वाला छत वाला, सारे वैसे छत वाले ही टेक्सचर है ना भैया, सारे छत वाले टेक्सचर ही हैं। अच्छा ये डस्ट, जमीन की डस्ट है। जनाब आज हमने की हैं चांद रात की, मतलब घर की सफाइयाँ, और मैंने यहाँ पूरे घर की सफाइयाँ करके नीचे से गराज धो के सीढ़ियाँ धो दी। सो फिर मैं थक के लेट गई, फिर वाड़ी साहब आप पता है वाड़ी सर मेरी लगती है ग्रीटी टेक्सचर। हाँ चलो ये करते हैं, ये वाला करते हैं। मैं कह रही थी कौन से वाला, ये वाला ये हार्ड है, ये फ्लोर का देखो। अच्छा ये बना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसने मुझे सोने नहीं दिया, क्या लड़ लुड़ गया, वो चला गया है बाहर। जनाब
ये तो बहुत सॉफ्ट है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट उठाया ही नहीं जा रहा है। मम्मा के हाथ भी तो सॉफ्ट से हैं। तुम्हारे हाथ भी? मेरी मम्मा के हाथ भी बहुत सॉफ्ट हैं। मेरी मम्मा के हाथ इतने हेल्दी, राबिया के बहुत हेल्दी हुआ करते, इतने प्यारे होते थे। हमारे फैमिली में सबसे प्यारे राबिया के हाथ होते थे। अभी भी प्यारे हैं लेकिन कलर भी इसका हाथों का डल हो गया है और स्मार्ट हो गए हैं, वरना इसके गुगले मुगले हाथ होते थे। मेरी कज़न रिंग्स पहनती थी तो इसको फिट आती थी, तो वो उनको खुली खुली आती थी। बहरहाल कोई गलत बात नहीं हो जाएगी वक्त के साथ साथ से। यार ये कितना, हाँ जी, अच्छा ये वो ऊपर से गिरा हुआ है सीमेंट। ये भी है फ्लोर पे टैक्स है, इसकी भी क्रम्बिंग करते हैं। ये वाला कौन सा टेक्सचर है? ब्लैक एंड व्हाइट ग्रीन। ये कितना मजे का टेक्सचर है, इसको समझ नहीं आता। ब्लैक डर्ट की तरफ चलते हैं, राबिया डर्ट की तरफ से। राबिया डर्ट देखो चंद्र कितने मजे के हैं, लड़के अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं। हाय चढ़ी दिन दिहाड़े ते वो तो बीमार है, थाड़ी कुड़ी बीमार है। नजर लग गई है मुझे, नजर लग गई है। तुमने लगाई है? यार हम ना शॉपिंग करने गए उधर ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, वहाँ पे एक डेकोरेशन पीस था, घोड़ा बना हुआ था। अच्छा वो घोड़ा भी आधा था, मैं काफ़ी बदल वो था, उन्होंने खड़ा किया। वो क्या होता है रहा भैया, क्या वो कहाँ पे लगाते हैं यार, लैंप टाइप था ना कुछ? हाँ दीवार पे लगाते हैं। हाँ वो आधा घोड़ा था, मैंने ऐसे ही मजाक में अपने बहन भाई आधा खोता के थे सामने ना आदमी खड़ा कहता बाजी 1.5 लाख रुपए तो साड़ा डेकोरेशन पीस है, तू माँ भैन एक कट गई कहा था मैं और मेरी भाभी ना से, फिर मैंने इसको बताया। खुद ही बात करते हंस पड़ते हो तुम। उस टाइम ना ज़्यादा मज़ा आया था बात करने का, वाह मज़े का यार। ये तो ये पता नहीं किसकी रिक्वेस्ट थी कि मैंने ब्रिक्स वाला पिक्चर की देखी है यार। एक सिर्फ उसकी नाम में ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताड़ी भैन बदाम शदाम खावे, उसकी याददाश्त तेज होवे, बाबा साढ़े फोन लेवे, फिर सारे की रिक्वेस्टा पूरी करे, जिदी जिदी है उसका नाम लैके। फिर भी मुझे बातें होंगी, मैं सबकी भी पूरी कर लूँगी ना, फिर भी नहीं मैं किसी ना किसी को भूल ही जाऊँगी। यार एक फोन होता है बेचारी के पास, वो भी इतना हीटअप होने लग गया है, आपको क्या बताएं। हिम्मत नहीं हारने।
सारा हाथ में छुपा, ये ना मैंने ना हाथों को मांजा लगाया हुआ चीटे चीटे आड़े मैंने लगाना था मेरा नहीं, रात को मैंने ना अच्छे से इसको उनको बाड़ी से नीचे बड़े मजे से सारे तोड़ दूं कि मामा ने बनाना है व्लॉग। हाँ मामा ने भी बनाना है, कोई और कर लो ना। चलने जना ये वाला नहीं, ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसको ऐसे ही रहने दूं, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है, गंदे में ना पाने का दिल नहीं किया मेरा तो। अब ऐसा करते हैं, ये गंदा सा एक टेक्सचर नजर आ रहा है, ये गंदा नहीं है मेरा रबे के लिए जान के मैंने तंग किया था। नहीं भाई ये नया ही टेक्सचर है, कोई येलो येलो कलर की रेत, येलो रेत भी होती है, वाओ। ये येलो नहीं है, ये है जैसे वो नहीं होता मडी सैंड है ना वो है। थोड़ा तो बहुत मजे थी, कोई कह रहा था कि मुझे ये अच्छी नहीं लगी, इसका साउंड नहीं आया, तो ये तीन चार दफा बनेगी ना फिर इसका साउंड आएगा। यकीन करे ये हाथ में पकड़ के इतना मजा आ रहा है ना, इतना मजा आ रहा है वाकई यार। इनको बताओ हमारा बिल्लू चला गया है जी जनाब, मेरी बेला को बहुत मारा उसने, और फिर मैंने भाई को बोला कि तुम इसको फिलहाल के लिए भेजो। नहीं भाई बेले दे मेरी जान है, जो भी बेला जो है ना बहुत लड़ती है, बेला नहीं लड़ती बस लड़ाती है, लेकिन जो वो था ना वो लड़ता था, इसको मारता था। बारिश से पानी पीना है, इसको पानी देना। वो तो मैं बेला को पकड़ के बैठी हुई गोद में बैठी है मेरे, वो भाग के आया निकला लग गई। तुम भी चुक ले गया होगे, फिर जब शीट्स डाल नहीं होती है ना तो फिर वो हो जाता है, दबती नहीं है यार। ये वाकई बड़ा मजे का टेक्सचर है, ये देख मैं पकड़ी करके दिखाती हूँ, कितना मजे का टेक्सचर है बच्चे। दिखाओ कितने मिनट का हो गया है, फिर लंबा इतना 17। हाँ तो इतना लंबा फ्लोर नहीं होना। अच्छा तो फिर चलें अब जनाब, एक नीचे चंक है वो भी देखो तुम्हारे हाथ के पास। हाँ जी जनाब ये है चंक। अच्छा जनाब अब यहीं करते हैं व्लॉग को एंड, सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और आप व्यापी के लिए दुआ करिए दीजिएगा, और सबको मेरी तरफ से दोबारा ईद मुबारक, ते जिन्हें जिन्हें छापड़ भेजना होना भेज पड़िया हो गोल बोटी ठीक है। अच्छा मैं गंदी चले जनाब, थोड़ा सा मजाक भी किया। ओके अल्लाह हाफिज़।